हर दिन आप एक ना एक ऐसा एक्सीडेंट देखते होंगे जो ओवर स्पीडिंग की वजह से या किसी और कारण से हो जाता है, या कुछ लोग कार में फोटोज़ वीडियोस बनाने के चक्कर में या फेसबुक इंस्टा पर लाइव आने की वजह से। बात सारी ये हो जाती है कि इन्हीं सभी कारणों से आपकी और आपकी कार का तो नुकसान होता ही है, और साथ में कभी-कभी वो लोग भी इसकी चपेट में आ ही जाते हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज ये एक्सीडेंट के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में। स्पीति वैली के बारे में आपने सुना होगा, स्पीति वैली काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है ये, मतलब बहुत ऊँचाई पर आता है ये जगह। तो गर्मी में ही यहाँ पर मतलब एक्सप्लोर करने जा सकते हैं इस जगह को, गर्मी में ही यहाँ का रास्ता खुला रहता है, और सर्दियों में तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, मतलब रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये BMW गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इस तरह के हाई एल्टीट्यूड्स पर ड्राइविंग करना सेफ़ नहीं रहता है, स्पेशली नाइट, और ये एक्सीडेंट रात में ही हुआ। रीज़न का भी हमें पता चला कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। ड्राइवर के आगे अचानक बादल आ गया था, जिस वजह से एकदम ड्राइवर ब्लाइंड हो गए, एंड द पर्सन हु लॉस्ट द लाइफ, उन्हें टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, एंड द ऑलमोस्ट 18 आवर्स में उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। मैं बताऊँ फ्रेंड्स, ऐसे एरियाज़ में जल्दी से मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी से नहीं मिल पाती है, एकदम मतलब इमरजेंसी में। एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, एंड अवॉइड भी किया जा सकता था। बाय द वे, ऐसे एरिया में हमें नाइट ड्राइविंग से बचना चाहिए। इस एक्सीडेंट में आप देख सकते हैं कि कार किस साइड से नीचे गिरी है, कि लोगों को बचाने के चमत्कार के साथ साथ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का भी उतना ही हाथ रहा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि गाड़ी के पिलर्स काफ़ी हद तक इंटैक्ट दिखते हैं, कार में सनरूफ होने के बाद भी, पर सनरूफ टूट के अंदर जरूर गिर गई है। तो समझिए आप कि किसी और गाड़ी के गिरने से और कितने बुरे हाल हो सकते थे, जबकि ये तो BMW कार है, काफ़ी महंगी गाड़ियां होती हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल होती है। इन गाड़ियों का भी ऐसा हाल हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए कार में सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी मायने रखती है, और पहाड़ों पर सावधानी से चलना भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि पहाड़ों पर एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। प्लीज़ प्लीज़, ऐसे हाई एल्टीट्यूड्स जैसे लेह स्पीति एरिया में, मतलब बहुत ध्यान से और संभल के ही गाड़ी चलाएं फ्रेंड्स। अवॉइड नाइट ड्राइविंग, तो हो सके तो रात में ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। आप पे अगर हिल्स पे चलाने का एक्सपीरियंस है तो चलाएं, वरना अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ध्यान से ही गाड़ी को चलाएं। आप देख सकते हैं कितना मतलब जान का और गाड़ी का नुकसान हो सकता है, और इसमें तो जान भी गई है जिसमें मतलब एक्सीडेंट हुआ जिनका। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है आपसे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल से अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।